अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बिशरा इनाम, देख रहे हैं बिशराज कोचिंग। तो इसी के साथ हम आ गए हैं एग्जांपल नंबर टू पर, जहाँ अच्छा एग्जांपल नंबर टू हमने सॉल्व कर ली। एग्जांपल नंबर थ्री पर आ जाते हैं, फाइंडिंग फ्लो अलोंग हेलिक्स। तो एलेक्स के अलोंग हमें फ्लो फाइंड करना है, फ्लो के ऊपर हमें फार्मूला गिवन है। तो चलिए अब चलते हैं फ्लो का एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, इसी से हमें पता चल जाएगा कि फार्मूला को किस तरह से यूज़ किया जाता है। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एग्जाम्पल। लेकिन उससे पहले वो जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है वो भी कर ली चुके हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना है, अच्छे से कमेंट करना तो बनता है। हम लोग यहाँ पर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो अप्रिसिएशन तो बनती है। तो यहाँ पर हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सॉल्यूशन। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल की डिटेल्स लिख दी, यहाँ पर जो हमें एफ गिवन है, जो आर ऑफ टी गिवन है, साथ में जो लिमिट गिवन है वो मैंने लिख दिया है यहाँ पर। तो अगर हम लोग देखें, सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन में क्या करते हैं, आर ऑफ टी को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग वही चीज़ करेंगे, आर ऑफ टी को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा हमारे पास आर ऑफ टी, अगर यहाँ पर देखा जाए तो कॉस है सबसे पहले, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर बस आर ऑफ टी ऊपर लिखवा है, मैं डी आर बाई डी ऑफ टी निकालूंगी इसका। तो यहाँ पर कॉस है तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ टी हो जाएगा, सही है, साथ में आई हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास साइन है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस ऑफ टी, एंड साथ में हो जाएगा हमारे पास जे। एंड अगर यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर टी है, यानी कॉन्स्टेंट, टी का क्या होता है हमारे पास वन होता है, यानी हमारे पास के बच जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमने फाइंड कर लिया है। नाउ हम लोग क्या फाइंड करेंगे, फंक्शन को एवेल्युएट करेंगे। तो हमारे पास जो फंक्शन f है उसको एवेल्युएट कर देंगे। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू यहाँ पर हमें cos गिवन है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, x की वैल्यू में cos लिख देंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि cos ऑफ t i है। देन हम लोग अगर देखें यहाँ पर जो j है, तो j की वैल्यू यहाँ पर हमें क्या गिवन है, यानी z, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है साइन। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे प्लस साइन, ये हो जाएगा साइन ऑफ जे। अगर जे की बात की जाए तो ये जे नहीं, ये हमारे पास होगा टी, ये रहा टी, तो हम लोग इसको लिख देंगे टी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास टी, इधर हम लोग लिख देंगे टी ऑफ जे। एंड देन साथ में हमारे पास लास्ट में क्या है, साइन, ये हो गया साइन ऑफ टी, और साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास, इधर आ जाएगा के, सही है। तो इनकी वैल्यूज़ में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट कंफ्यूज ना होइएगा, बिल्कुल सही से पुट कीजिएगा। एंड देन ये हमारे पास हो गया है डबल स्टार। तो हमने स्टार और डबल स्टार फाइंड कर लिया। नाउ हमारे पास आखिरी चीज़ क्या बचती है, आखिरी चीज़ हमारे पास एफ ऑफ डी आर का दोनों का डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट पेज पर इसको इरेज कर देते हैं ताकि हमारे पास जगह बन सके कैलकुलेशन की। नाउ हम लोग क्या करेंगे, एफ और साथ में हमारे पास आ जाएगा डी आर बाई डी ऑफ टी, ठीक है। एंड साथ में अगर देखा जाए तो हमने लिमिट भी लिखी थी, लिमिट क्या थी हमारे पास, लिमिट थी हमारे पास टी, हमारे पास जीरो से स्टार्ट हो रहा था, कहाँ तक जा रहा था, पाई बाई टू तक जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग वही चीज़ यूज़ कर लेंगे, एफ ऑफ डी आर लिख लेंगे। सबसे पहले एफ की वैल्यूज़ क्या थी और डी की वैल्यूज़ क्या थी, तो वो था हमारे पास कॉज ऑफ टी, एंड देन माइनस साइन ऑफ टी प्लस टी। अब मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, आई आई के साथ, जे जे के साथ, के साथ, ठीक है। एंड देन ये था हमारे पास कॉज ऑफ टी, देन लास्ट हमारे पास था साइन ऑफ टी, एंड आखिरी में हमारे पास आ जाता है टी, ठीक है ना। इसको इवेल्यूएट करेंगे तो हमारे पास जो है वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों से आ जाएगा माइनस साइन टी कॉज ऑफ टी, ठीक है। देन यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा टी कॉज ऑफ टी प्लस टी साइन ऑफ टी। नौ दोनों को हमने आपस में लिख लिया है, अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रल अप्लाई करेंगे। तो ये यहाँ पर एफ डी आर बाई डी ऑफ टी था, तो अब यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रल एफ आर एफ डी आर बाई डी ऑफ टी। एंड साथ में लिमिट क्या थी, लिमिट हमारे पास थी यहाँ से ज़ीरो से पाई बाई टू तक, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग वही चीज़ अप्लाई कर देंगे, इस पर इंटीग्रल अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन और कॉस का इंटीग्रल हमारे पास क्या होता है, कॉस स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास व्हाट, ये हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर, साथ में आ जाएगा हमारे पास टी डिवाइडेड बाय टू। तो ये हमारे पास इसका आ गया ना, कॉस टी का क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉस टी का आ जाएगा हमारे पास साइन ऑफ टी। अच्छा ये यहाँ पर वन है, ठीक है, तो यहाँ पर साइन ही आएगा। एंड देन यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा टी साइन ऑफ टी, साथ में हमारे पास लिमिट क्या है,
लिमिट हमारे पास 0 से पाई बाई 2 है, तो यहाँ पर हम लोग पाई बाई 2 पुट करेंगे एंड 0 पुट करेंगे, सो व्हाट विल वी गेट, वी विल गेट 0 प्लस पाई बाई 2 यहाँ से, एंड देन दूसरा क्या माइनस हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर जगह नहीं है, नेक्स्ट उस पर देखते हैं लिमिट वहाँ पर पुट करते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे 0 प्लस पाई बाई 2 माइनस 1 बाई 2 प्लस 0, एंड यहाँ से हम लोग गेट करेंगे पाई बाई 2, एंड यहाँ से आ जाएगा माइनस 1 बाई 2, एंड वी विल गेट व्हाट, वी विल गेट यही वैल्यूज़ आगे तो हो नहीं सकता, ठीक है, अगर आप करें तो यहाँ पर हो सकता है ये 2 पाई माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, दैट्स इट, आप यहाँ से आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो यहाँ पर जो है हमारी जो एग्जांपल है वो ख़त्म होती है, इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, पर ख्याल रखिएगा चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, थैंक यू सो मच।